हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल आर्यन बुटीक में। तो दोस्तों, फाइनली आज हम लहंगा का ब्लाउज बनाने वाले हैं, जिसमें हम चेन लगाएंगे साइड से। और इसमें लंबाई जो आई है बहुत ज़्यादा आई है, मेरे कस्टमर ने जो बताई है, इसमें लंबाई 14 इंच की हमें रखनी है। तो इसके लिए बॉर्डर लग के हमारी लंबाई हो रही थी करीब 15 16 इंच, ठीक है ना दोस्तों, 16 16.5 इंच हो रही थी। अब इसको हम शॉर्ट करने वाले हैं। किस तरीके से शॉर्ट करते हैं, इस बॉर्डर को हमने नीचे से निकाल लिया है और हमने ये यहाँ पे निशान लगाया है जहाँ से हम ये बॉर्डर अटैच करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमने कितना काटना है। हमने 1.25 इंच पे निशान लगाया है करीब, और इधर भी इतना ही लगा लेते हैं हम। इतना हटके इसमें ज्वाइंट करेंगे जो बॉर्डर मैंने लगाया निकाला है ये वाला। आप देख सकते हैं हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे। हमने ये रखा है साइड से, तो दोस्तों ये हम सिलाई लगा ले रहे हैं, ये हम लोग लगा रहे हैं वो है लंबाई कम करने के लिए। आप ये मैंने बॉर्डर पलटा इसको, देखो मेरी लंबाई अब सेंटर में आ जाएगी दोस्तों। अब इसके लिए हम ये काट दे रहे हैं, उठाए के फिलाई और पलट के इस पर फिलाई लगा देंगे। अब फिलाई लगा देते हैं इसको पलटने के बाद। ये भी लगा दी दोस्तों, आप देख सकते हैं अब हमारी लंबाई जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी बराबर, जो हमने अस्तर काटा है उसके बराबर, ये आप देख सकते हैं। अब हमें ये बनाने में आसान होगा। अब हमारी टोटल लंबाई देख लेते हैं हम कितनी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब मेरी जैसे दब जाएगा नीचे तो 14 14.5 इंच की लंबाई रह जाएगी। तो इसके लिए हम दोस्तों पहले अब ये निशान उठा लेते हैं अपने अस्तर पे, जो हमने निशान लगा रखे हैं। हमने दोनों साइड निशान लगा दिए हैं और इस साइड भी कट लगा देंगे। अब कट से ना दोस्तों हमें मालूम पड़ जाएगा कि दोनों साइड हमारा जो निशान है, दोनों साइड प्लेटों के बराबर पे हमारी आ जाएंगी। देखो एक साइड हमने जो कट लगाया है पकड़ के दोनों पल्लों में लग जाता है, तो हमें यहीं से प्लेट डालनी होगी, इसलिए हम कट लगाते हैं और निशान भी इसी लिए लगाते हैं क्योंकि हमारे बराबर और तिरछी वरछी प्लेट ना हो। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, ये मेरा फ्रंट है तो फ्रंट को क्या करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाए हैं ये सीधा पल्ला है, ठीक है ना, और ये मेरा जो निशान लगा हुआ है वो इसको अंदर करेंगे। और इस तरीके से बीच में एक हमने कट लगाया, इसके अस्तर के बीच में भी एक कट लगाया, तो इसको इस तरीके से बीच में एक सिलाई मार, इसको पकड़ के दोस्तों यहाँ पर भी एक कट मार लेंगे और अस्तर में भी एक कट लगा लेंगे सेंटर पे, जिससे कि हमारी बिल्कुल भी इधर से उधर कोई भी कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा, बराबर पे रहेगा, ठीक है। आप जब भी बनाए तो इस तरीके से कट लगा लें, तो जिससे कि हमारा बराबर रहेगा। तो दोस्तों अब हम जो सिलाई लगा चुके हैं, ये मेरा गला चमक रहा है अस्तर में, तो ये आप देख सकते हैं जो गला हमने बनाया है उसी किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। ये विशेष ध्यान रखना है जो हमारी ये कढ़ाई है, कढ़ाई के ऊपर नहीं जाए, तो नहीं तो बिल्कुल आउट और अजीब लगने लगेगा, खराब हो जाएगा गला हमारा, इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक साइड की हमारी सिलाई, दूसरे साइड की भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों विशेष जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं दोस्तों, तो आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सिलाई लगाने के बाद इसका कपड़ा काट देंगे अंदर का। ये ब्लाउज दोस्तों जो गले बने हुए आते हैं आगे पीछे, उसके लिए हम बता रहे हैं इस तरीके से हमें बनाना है वो। अगर आपके पास भी आ जाए तो इस तरीके से बना सकते हैं। ज्यादातर साड़ियों में दोस्तों अब इस तरीके की ब्लाउज आते हैं। कट लगा दिए इसलिए क्योंकि मेरा गले में जो सफाई है वो आराम से आए और सही से हमारा पलट जाए। अब इसको जो हमने कट लगाए थे नीचे
ये आप देख सकते हैं दोनों पल्लों में इसको बराबर करके एक सिलाई नीचे लगा देंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने ये भी सिलाई लगा ली। अब इस तरीके से ये मेरा जो खाली जगह है इसको पकड़ेंगे, इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। अब हमने इसलिए ये अंदर रखा था दोस्तों, अब ये मेरे निशान वाली साइड है बाहर आ चुकी है, इस पे हम पलेटर डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नीचे पे ना, नीचे पे इसको सिलाई लब की सिलाई मार लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई नीचे की लग चुकी है, ये हमने जो सिलाई लगाई थी पॉइंट की लगाई थी यानी लब की। और अब लगाते हैं गले पे सिलाई, ठीक है ना दोस्तों। गले पे भी हम ये जो डिजाइन छपी हुई है हमको इसको बचा के सिलाई लगाएंगे, इसको हमें सेफ रखना है और हमें अब तक थोड़ा हल्के हाथों से अंदर रखना है, इसका बाहर नहीं निकलने देना है इसका। तो दोस्तों हम इस गले पे भी सिलाई लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा गला भी निकल के रेडी हो गया सही से। अब इसको हम इस तरीके से इसको जड़ देंगे साइड से, जो हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा फूल रहा होगा वो नहीं फूलेगा। तो इस पर इसके लिए हम लगा देते हैं साइड से सिलाई, बिल्कुल प्लान करते हुए इसको जॉइंट कर देंगे अफ्तर और कपड़े को। तो दोस्तों इस साइड से हम पक्का कर चुके हैं, अब इस साइड का भी हम पक्का कर देंगे। हमें चारों तरफ से इसको पक्का कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा जॉइंट हो गया है और मेरी लंबाई भी कम हो गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। इसमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि हमने इसको इसकी जो लंबाई है कम करी हुई है। अब देखो ये एक्स्ट्रा निकल रहा है थोड़ा बहुत कपड़ा, इसको हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब दोस्तों इसमें डाल देते प्लेट, तो प्लेट के लिए दोस्तों ये हमने जो निशान लगा रखे थे इस पर ही डालेंगे ये प्लेट दोस्तों, डालेंगे करीब 1 इंच की हम। जहां तक मेरा निशान आया था हमने वहां पे उतार दिया। अब इस साइड का जो हमने निशान लगाया है इसको पकड़ के वहीं तक हम डालेंगे इसमें प्लेट, इसकी प्लेट डालेंगे दोस्तों 1 बूट की हम करीब 12 इंच की, इसको भी हमने उतार दिया वहीं जहां हमने निशान लगाया था। 2 प्लेटों में ही मेरा कितना अच्छा इसका लुक आ गया ब्लाउज के, ब्लाउज का, ठीक है ना। अब 2 इस साइड डाल देंगे दोस्तों, जैसे इसमें डाली इस साइड हमने निशान लगा रखे थे, इस पर भी हम डाल देते हैं 2 प्लेट। उतनी डालेंगे उतनी फाइड डालिए, उतनी बड़ी और उतनी चौड़ी डाल देते हैं प्लेट। दोनों फाइड हमें बराबर रखनी है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रंट तैयार हो गया है ब्लाउज का, ठीक है ना दोस्तों। अब कर लेते हैं दोस्तों बैक तैयार, हमने छोटा किया था बॉर्डर निकालने के बाद, इसको भी छोटा कर लेते हैं। तो ये हमने निशान लगा लिया बराबर बराबर आगे तक, इसी पे हम सिलाई लगा देंगे दोस्तों। अब हम इस पर सिलाई लगा दे रहे हैं। तो दोस्तों इस पर भी सिलाई लगा के रेडी कर ले रहे हैं, और सिलाई लगाने के बाद दिखाते हैं।
जो दोस्तों हमने जैसे कि बताया था आगे वाले पल्ले में कि आगे जैसे पलटना है सिलाई लगा के उस तरीके से इसको भी पलट ले रहे हैं, सिले लगा ले रहे हैं इस पर, फिर पलटते हैं इसको भी। सेम कंडीशन वही, उसी तरीके से सेम, कुछ भी नहीं करना है। दोनों साइड जैसे आगे लगाई थी सिलाई उस तरीके से हम पीछे भी लगा लेते हैं गले को, आगे पीछे दोनों एक जैसे गले और एक जैसी सिलाई करके ही हमें इसे गले को निकालना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें अगर वीडियो से नए जुड़े हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। अब दोस्तों ये हमारी सिलाई एक लग चुकी है, अब हमें सिलाई लगानी है ये नीचे एक, जो हमने बताया था कट कट के सामने, हमने ये दोनों कट हैं कट के सामने हमें ये सिलाई लगानी है, तो उसके लिए हम एक सिलाई लगा ले रहे हैं। दोस्तों जैसे हमने आगे सिलाई मारी थी उस तरीके से पीछे गले पे भी सिलाई लगा ले रहे हैं, और लगाने के बाद हम तैयार कर लेते हैं बैक पल्ला, तब हम दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों इसमें हम पलेटें डाल लेते हैं, इसमें बैग में हम पल्ला में डालेंगे दो पलेटें, तो इसके लिए ये जो हमने सेंटर लगाया बीच का, इस पल्ले को यहाँ तक ले जाएंगे इस तरीके से, और जहाँ पे हमारा बीच में टूटेगा वहीं से हम पलेट डाल देंगे इसकी। अब इसकी हम पलेट डाल देते हैं, इसमें भी दोस्तों हम 1 इंच की पलेट डालेंगे बैग में, और करीब 4 इंच लंबी डालेंगे, और उसी तरीके से इस साइड भी हम डाल देंगे। तो दोस्तों नाप के हम ये पलेटें डाल चुके हैं बैक में, दो पलेटें पड़ती हैं पीछे के पल्ले में, तो दोनों हम डाल चुके हैं। अब इसका सेंटर हम देख लेते हैं दोस्तों, सेंटर भी इसका ये है, और इसका भी सेंटर देख लेते हैं, इसका सेंटर कहाँ है बैक का, ये मेरा इसका सेंटर है बैक का, तो दोनों को सेंटर से सेंटर रखेंगे, ये आप देख सकते हैं दोनों निशान के बराबर निशान पर रखते हैं, ये इस पर निशान लगा हुआ है इस पर, तो इसको तरह ऊपर रखते हैं और एक हल्की सी सिलाई लगा देते हैं कच्ची, लगा दे रहे हैं छोटी सी कच्ची सिलाई लगाई। तो हमारे दोनों पल्ले कहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं और उसी हिसाब से हम इसकी ऊपर कंधे की सिलाई लगा देते हैं। अब इससे ना दोस्तों मेरे कोई पल्ले आगे पीछे बड़े छोटे नहीं होंगे। अब मेरा ये आ रहा है इतना बैक में, इतना ऊपर निकल रहा है एक्स्ट्रा, दोस्तों वहां पे आ रहा था उसी जगह पे जॉइंट कर दे रहे हैं। दोनों साइड चेक करने के बाद हमें दोनों साइड से वही एक ही प्रक्रिया अपनानी है, कंधी हमारी जॉइंट हो चुकी है दोस्तों, ये मेरी कंधी जॉइंट हो चुकी है। अब हम लगाते हैं दोस्तों इसके फिटिंग के निशान, और हमें एक साइड लगानी है इसमें चेन, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं नीचे कमर वाले निशान, तो हमारी फिटिंग है 15.5, कमर की हमें फिटिंग देनी है 15.5, तो ये हमारा सेंटर है बीच का, 15 का हो गया दोस्तों 7.5 और 15.5 का कर दे रहे हैं 7.5, 1 पॉइंट पे हमने ये निशान लगा दिया, और इस साइड हमने 15.5 पे लगा दिया आके, ये देख सकते हैं। अब हम चेक कर लेंगे दोबारा कि हमारे पलेटों पे कि हमारा बराबर पे निशान है कि नहीं है, 4.5 और ये 4.5, हमारा दोनों साइड, ये हमारे दोनों साइड बराबर बराबर पे मेरे निशान लगे हुए हैं। अब लगा लेते हैं दोस्तों सीने का निशान, सीना की फिटिंग हमें देनी है, किस तरीके से देते हैं इस तरीके को हम आपको दिखा देते हैं, आप भी इस तरीके से फिटिंग दें सीने की। दोनों साइड हम पहले कपड़ा बराबर कर लेंगे,
किधर भी हमारा निकलता हुआ ना हो। तो ये दोस्तों हम फिटिंग के निशान लगा चुके 19.5 इंच पे, दोनों फाइट से हमें बराबर रखने होते हैं, बराबर कपड़ा छोड़ के हम सिलाई लगा मतलब फिट निशान लगा चुके हैं। अब इसकी लगाते हैं सिलाई सीना से कमर तक। अब हमें यहाँ उतारनी है कमर पे जो हमने निशान लगाया था इसको। ये एक हम सिलाई लगा चुके और एक और हम लगा देंगे सिलाई कर्रे डीले के लिए। ये दोनों साइड हमारे दो सिलाई लगा चुके हैं एक साइड। अब एक साइड लगाएंगे हम चैन दोस्तों, कई थोड़े बहुत भेज दे। तो दोस्तों 2 इंच करीब हम इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पक्का कर देंगे 2 इंच सिलाई लगाने के बाद, और इतना छोड़ देंगे क्योंकि इतने में हमारी लगेगी चैन। तो आप देख सकते हैं ये हमने इतनी सिलाई लगा ली है और बाकी में हम लगाएंगे चैन बाकी की जगह में ये यहाँ तक। तो चैन हम इस तरीके से लगाने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमारी चैन है, अब हम इसको लगाने वाले हैं। इसको पहले हम खोल लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस पल्ले को खोलेंगे और ये हमें रखनी है अंदर और ये हमारे दोनों पल्ले रहेंगे बाहर। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे, इस साइड वाले को हम पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है, और एक सिलाई लगा लेते हैं। बिल्कुल इस पर नहीं चढ़नी है, चैन के ऊपर नहीं चढ़ानी है, और चैन के किनारे किनारे से ही हमें सिलाई लगानी है। और इसके लिए हम थोड़ी दोस्तों इसकी है ना स्पीड बहुत कम कर लेते हैं मशीन की, जिससे कि हमें बहुत आराम आराम से चलानी है, नहीं तो ऊपर चढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी। अगर दोस्तों आपके पास ऐसी मशीन है तो उससे आप सिलाई उसकी स्पीड है ना बहुत कम कर लें, अगर फायदा है तो कोई बात ही नहीं। तो हमने इसकी स्पीड कम कर ली दोस्तों। अब इस पर एक सिलाई लगा रहे हैं जहाँ तक ये हमने सिलाई लगाई थी 2 इंच पे, वहाँ तक हम इसकी सिलाई लेके जा रहे हैं चैन को लगाते हुए धीरे धीरे। ये विशेष ध्यान रखना है चैन के ऊपर नहीं चढ़े, नहीं तो चैन नहीं चलेगी, जाम हो जाएगी। अब इसको मुचका लेंगे और आगे चैन बढ़ा देंगे। ये हमारी आगे चैन बढ़ गई है अपनी सिलाई तक, इसको लेके आते हैं और यहाँ पे पक्का कर देते हैं थोड़ा। इसको हमने पक्का कर दिया और इसको धागा तोड़ने के बाद अब दूसरी साइड से इस पर सिलाई लगाते हैं। तो आप दूसरी साइड से भी दोस्तों उसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। हम अपने से आराम आराम से इस पे सिलाई लगा लेते हैं जहां हमारा निशान लगा हुआ है वहां पे उतार देंगे। अब इसको थोड़ा फिर उचकाएंगे, चैन अंदर को ले जाएंगे। आप इस तरीके से चैन लगाएंगे तो बहुत अच्छी चैन सफाई से चैन लगेगी, आप किसी भी ब्लाउज में या किसी में भी लगा सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये हो गई है, ये देखो चैन हमारी कितनी अच्छे से लग के रेडी हो गई। अब हम ये कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं। अब इसको इस तरीके से चैन को अंदर ले जाएंगे, मार्जिन को, चैन के मार्जिन को, और इस तरीके से कपड़ा जो मेरा एक्स्ट्रा छूटा था उस पर हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। पक्का कर लेते हैं दोनों साइड, चैन के दोनों साइड से, उसके बाद दिखाते हैं आगे। ये बाजू भी हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपनी बाजू कंप्लीट करके उसमें लगाते हैं। बाजू में भी अफ्तर हम कर लेते हैं जैसे कि हमने ब्लाउज में लगाया था, उसमें बाजू में अफ्तर लगा लेते हैं। उठा के इसको पलट देंगे,
अटैच कर दिया इस पे। ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है इस साइड की। अब दूसरी साइड की भी बाजू कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसकी हम और 11 इंच नाप लेते हैं और उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। 11 इंच मेरा यहां पर आ रहा है। आप लिया दोस्तों, मेरा जहाँ पे आर्म होल जितना हो रहा है वहां तक मेरा जहां तक आ रहा था वहीं पे हमने नाप के उतनी अपनी सिलाई उतार दी है। अब दूसरी बाजू भी उसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इसकी बाजू चढ़ा रहे हैं ब्लाउज की, आपको दिखाते हैं इस तरीके से बाजू चढ़ जाएगी, फिर हम दिखाते हैं इस तरीके से हमारी लुक आने वाला है ब्लाउज का। अब दोस्तों बाजू जब चढ़ाते हैं तो अब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं, ये बीच का नीचे का मेरा जो जहाँ जॉइंट होती है ना फिलिप, वहाँ का सेंटर है ये, दोनों को यहीं सेंटर पे हम इसको बराबर रख लेंगे और इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे। करीब मार्जिन आधा इंच मार्जिन के हिसाब से हम इसको बाजू को चढ़ाते हैं आर्म होल में, और इस ये जो कंधी होती है ना इसको एक साइड ही हमें रखना होता है। हम इसको बैक में कर देते हैं। बाजू चढ़ जाती है दोस्तों तब दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों फाइनली ये मेरा ब्लाउज बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितने अच्छा लुक इसका आया है, ये आप देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें।